Happy Diwali to all of you. You all, I wish you all are fine and healthy. We are celebrating Diwali for great joy and happiness. Okay, then now we will start study. हमको सेकेंड टर्म स्टार्ट करना है. फर्स्ट टर्म की एग्जाम्स आप लोगों ने दे दी है. अब हम न्यू टर्म स्टार्ट करेंगे, सेकेंड टर्म ईएस के लिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईएस, है ना. आई एम मिसेस सुनीता शर्मा जो आपको ईएस पढ़ाएगी. ओके, देन सेकेंड टर्म हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 से. चैप्टर नंबर 8 इज साइंस ऑफ किचन. साइंस ऑफ किचन, नाम से लगता है ना कि किचन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. और किचन के बारे में जब बात होती है तो किचन में बहुत सारा साइंस यूज होता है. साइंस एक मीन्स वहां पर गैस होता है, गैस के थ्रू खाना बनता है, एलपीजी यूज करते हैं हम, है ना. एलपीजी एक मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे प्रॉपरली. देन किचन, किचन में बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं जिनके बारे में हमको अभी स्टडी करना है. ओके, नाउ हम फर्स्ट लेसन रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि फूड, व्हाट टाइप्स ऑफ फूड, है ना, व्हाट काइंड्स ऑफ फूड. वी टेक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स एज फूड. आप सभी मिल्क फूड के तौर पर लेते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स मीन्स मकई का आटा, बाजरी का लोट, उसकी भाकरी खाते हैं ना, गेहूं की भाकरी, है ना, ये सारे सीरियल्स कहलाते हैं जिसका हम लोट यूज करते हैं. और देन पल्सेस, पल्सेस इट मीन्स चना, मूंग, ये सब बनाती होगी मम्मी आपकी, दाल, है ना, ये सारे पल्सेस में आते हैं. देन फ्रूट्स, फ्रूट्स सभी को पता है, मैंगो, बनाना, एप्पल को, है ना. देन मिल्क एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी बहुत सारी होती है, सभी में न्यूट्रिशंस होते हैं. कुछ वेजिटेबल्स होती है जो हम रो भी खा सकते हैं, रो इट मीन्स कच्ची खा सकते हैं, जैसे कुकुम्बर है, टोमेटो है. ओके, जैसे ये जो वेजिटेबल्स है उनको हम कच्चा भी खा सकते हैं, है ना. तो इसी के बारे में हमको रीड करना है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. अगर आप खाना नहीं खाएंगे, आपको भूख लगी है, खाना नहीं खाएंगे तो आप बिल्कुल लूज हो जाएंगे, है ना. जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आप में एनर्जी हो जाती है. तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड के थ्रू. ओके, डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के फूड होते हैं, है ना. वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग. मेनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रो फॉर्म. देर आर वेराइटीज इन आर फूड. गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आर बॉडी. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन. इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज इन किचन. ओके, जैसे बहुत सारे अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हमको हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने के लिए हमको न्यूट्रिशियस फूड जो खाना है, और न्यूट्रिशियस फूड हमको कौन सी वेजिटेबल्स में और कौन से खाने में मिलेंगे, हमको अगर ये पता है तभी हम हेल्दी बनेंगे. ओके, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं किचन में. जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में आपने बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में सुना होगा, जैसे हल्दी का मिल्क, दूध में हल्दी डाल के मम्मी पिलाती होंगी, है ना, अजवाइन, बहुत सारे स्पाइसेस, काली मिर्ची, ब्लैक पेपर. ओके, ये सारे स्पाइसेस हैं जो हमने अभी कोरोना में भी यूज़ किए होंगे आप लोगों ने, घर पे आपके मम्मी ने काढ़ा वगैरह बना कर दिया होगा. तो ये जो किचन में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, ये हमको बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारी हेल्दी बॉडी के लिए. ओके, अब जैसे हम खाना खाते हैं, खाना साग रोटी खाते हो, साग पूरी खाते हो, ढोकला खाते हैं, दाल ढोकली खाते हैं, कड़ी खिचड़ी खाएंगे, है ना, बाजरे की भाकरी और रोटी खाएंगे. उस टाइप से जितने भी फूड्स होते हैं वो सारे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं. ओके, अब न्यूट्रिशंस वाली बॉडी, हम खाना अच्छा हेल्दी खाया तो न्यूट्रिशन मिला, लेकिन अगर अनहेल्दी खाना खाया तो क्या होगा? अनहेल्दी खाना हमको कहाँ से मिलता है? बाहर से स्टॉल फूड,
जो स्टॉल फूड होता है वो अगर हम खाते हैं वो अनकवर्ड होता है ना, उसके ऊपर मक्खी मच्छर वगैरह फैलते रहते हैं, तो वो अनकवर्ड फूड होता है जिसको हम खाने से बीमार हो जाते हैं, हमको बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है। उसी टाइप से स्पाइसी खाना बहुत सारा, अगर डेली आप स्पाइसी खाना खाएंगे, कभी कभी वीक में वन या टू टाइम्स खाया तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेली स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपके स्टमक को इंजर्ड हो जाएगा आपका स्टमक, है ना। तो इस टाइप से कुछ स्टोरीज हैं वो आपको मैं रीड करके बता रही हूँ। देयर इज अ बॉय, हिज नेम इज महेश, एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड, आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स इन हिज स्टमक। वन डे महेश वॉज इन स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग, हिज पेन इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ओके, क्या हुआ, उसको डेली स्पाइसी फूड खाने को चाहिए था, उसने डेली उसका खाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, एक दिन स्कूल गया जब सारे बच्चे खेल रहे थे तब उसके अचानक उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हुआ और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ गया पेन और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ओके, व्हाई वाज महेश स्टमक पेनिंग, क्यों उसका स्टमक पेन किया होगा, क्योंकि उसने बहुत सारा स्पाइसी फूड खाया होगा, है ना। स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी होती है, अंदर जलन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। व्हाट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश, डॉक्टर ने उसको क्या बोला होगा, यही कहा होगा कि आपको पेट में स्टमक में जो पेन है वो किसके कारण है, स्पाइसी फूड खाने के लिए। उसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया होगा कि आपको पूरा बिना स्पाइस का फूड खाना है, बिना, जैसे मम्मी बीमार आदमी को कैसा सिर्फ नमक और हल्दी वाली खिचड़ी खिलाती है पतली सी जो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए और स्पाइसी भी नहीं हो, है ना। तो इस टाइप से उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा। व्हाट विल महेश डू नाउ, तो महेश ने अब क्या किया होगा, अगर उसको पेन स्टमक में पेन नहीं चाहिए तो उसने स्पाइसी फूड खाना छोड़ दिया होगा और नॉर्मल ईटिंग स्टार्ट किया होगा। देर इज अ गर्ल नेम वर्षा, शी स्टडी इन स्टैंडर्ड 5, शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड, एवरी डे शी ईट अनकवर्ड एंड स्टॉल फूड फ्रॉम वेंडर्स। वर्षा डज हिज डेली, वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम, every day Varsha goes to hotels, restaurant and vendors, she eat whatever she like। okay, अब यहाँ पे वर्षा गर्ल है जिसको बाहर का खाना बहुत पसंद है, वो स्टॉल फूड खाती है, वो अनकवर्ड स्टॉल फूड खाना उसको पसंद होता है। एवरी डे शी ईट फ्रॉम रेस्टोरेंट होटल्स एंड वेंडर्स। ओके, तो उसके लिए अच्छा नहीं था ये। What would have happened to Varsha? We have learned that why this has happened. Stale, fried and spicy food is harmful for our body. He may have to face minor, major diseases. Health is direct related to healthy food. You eat varieties of food. There are various methods to prepare this food. Let us collect information regarding it. Given here are names of various food items. Hey, how they are cooked? You can also take help of your mother. अब यहाँ पे टेबल बना हुआ है, तो हम खाना कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बॉइलिंग खाना होता है, जैसे राइस वगैरह बनता है, खिचड़ी बनती है बॉइल करने से और वो पक जाता है, वो खाना खाने के से हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमारे लिए हेल्दी रहता है। डीप फ्राइंग, डेली तला हुआ खाने से पेट में जलन होती है, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, डेली नहीं खाना चाहिए, वीक में टू टाइम्स खाएं, थ्री टाइम्स, वन टू टाइम्स खाएं तो चलता है। ओके, देन रोटली, रोटलो, वो हेल्दी है, वो रोस्टेड होता है, तवे पर बनाते हैं उसको। इस टाइप से ये फूड आइटम्स हैं जो कैसे बनते हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ओके, देन है मेथड, एक होता है सोलर कुकर। सोलर कुकर एक इक्विपमेंट है खाना बनाने का, जैसे आपने ओवन वगैरह देखा होगा आपके घर में, कुकर होता है, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, वो सारे फूड मेकिंग के इक्विपमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक
इक्विपमेंट है सोलर कुकर। सोलर कुकर से खाना कैसे रेडी होता है, उसमें सनलाइट, उसको हमको छत पे रखना होता है और सनलाइट डायरेक्ट उस पे उसके थ्रू जाती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू एनर्जी मिलती है और खाना कुक हो जाता है। वहाँ पर आप राइस दाल वगैरह आप अगर बना के रख दो, वहाँ पे भिगो के रख दो, तो आपको कुछ घंटों में वो पका हुआ मिलता है। ओके, तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, बहुत ही हेल्दी मेथड है, जो बिना किसी खर्च के हो जाती है। वहाँ पे आपको किसी कोई मनी नहीं देनी पड़ती और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होता है। ओके, फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। रॉ फूड रोस्टिंग और बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग एंड फॉर ईटिंग। एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक के यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सनलाइट गिव्स अस कॉन्स्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर, है ना, उसको बोलेंगे हम सोलर कुकर। द क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड आर नेचुरली मेंशन इन द फूड कुक्ड इन सोलर कुकर। ओके, अगर सोलर कुकर में हम खाना बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है उसमें, और वो हमारे लिए हेल्दी होता है। ओके, जैसे हम बॉइलिंग और रॉ वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं वो हमारे लिए हेल्दी है, तो ये भी एक मेथड है जिससे खाना खाने में न्यूट्रिशंस बने रहते हैं और ये हमारे लिए हेल्दी है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे इसी लेसन के। देन नाउ बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। ओके, थैंक यू।